जय हिंद, जय बिहार। हे गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो ब्लॉग है, आज 17 जुलाई है 2023, और अभी आप देख सकते हैं कि मैं स्पोर्ट वाले क्लोथ में आया हूँ और मॉर्निंग टाइम में। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी का जो ये देख सकते हैं स्पोर्ट का ये, और अभी मैं घर पर ही अपना फिटनेस यानी जिम कर रहा था, इसके चलते आप देख सकते हैं ये जो पैंट भी है स्पोर्ट वाला है, देख सकते हैं, और ये टी शर्ट भी देख सकते हैं स्पोर्ट का है। और काफ़ी ज़्यादा मैं वर्कआउट अब फिर से कर दिया हूँ, क्योंकि मेरी फ़िटनेस काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो गई थी और तबीयत मेरा कई दिनों से ख़राब भी रह रहा है, तो इसके वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और फिटनेस अब जो देख सकते हैं कैसा फिटनेस मेरा बन रहा है पहले के पीछे, आप देख सकते हैं। कुछ समय फिटनेस बॉडीज बनाया था मैं, काफ़ी धाकड़ बना पाया था, बट अभी जो है अभी बॉडी थोड़ा सा उस तरह की नहीं बन पा रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पारिवारिक उलझन में और टेंशन में ज़्यादा बहुत ज़्यादा लंबा टाइम थोड़ा सा गुजर गया था, और इसके वजह से थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गया था। फिर भी आप देख सकते हैं कि जो मसल्स हैं ये जो देख सकते हैं धीरे धीरे अब निकल रहे हैं, चूँकि पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे, और इसलिए सोचा कि चलो ब्लॉगिंग कर लेते हैं। और हमारा जो ब्लॉग चैनल है कुंदन सिंह हेल्प ब्लॉग्स, आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, मेरा संघर्ष कैसा लगता है। हालांकि हमारे ब्लॉग में आपको ज़्यादातर संघर्ष वाली चीज़ें दिखाते हैं। तो गाइज, यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है ये माचा है, जो इसे हम लोग भोजपुरी में मचान कहते हैं, माचा या मचान कहते हैं, जो बिहार का एक काफ़ी गांव का एक लोकेशन आप लोग को हम जो दिखा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पेड़ है जो देख सकते हैं काफ़ी हरा भरा है, क्योंकि मुझे नेचर प्रकृति से काफ़ी ज़्यादा लगाव भी है। बिना मैं शुद्ध वायु का नहीं रह सकता हूँ, चूँकि मुझे आदत है कूलर फ़ैन और एसी का, मुझे मज़ा लेने का मज़ा नहीं, चूँकि मैं भोजपुरिया बाबू यानी देहाती बाबू हूँ, जो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड ये वीडियोज़ आज आप लोग का बनेगा। और चलिए, मैं अपना घर के लिए भी निकल रहा हूँ, क्योंकि अभी आया था, घर से थोड़ी सी दूर पे हूँ। घर के पीछे में ही आप देख सकते हैं कि गार्डन वगैरह है इधर में, और काफ़ी खूबसूरत ये जगह है जो बिहार का, आप देख सकते हैं। मैं रोहतास ज़िला से हूँ, अभी मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लोकेशंस है जो हमारे बिहार के गांव का है, जो आप देख सकते हैं। और मॉर्निंग टाइम में वर्कआउट करने के लिए मैं निकला था, तो आप देख सकते हैं खेतों को घूमने के लिए निकला था, क्योंकि हरियाली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, प्रकृति से ज़्यादा काफ़ी लगाव है मुझे नेचर से। तो देख सकते हैं, ये तो पटवन करने वाला पहले वाले ब्लॉग में दिखाए हैं या बोरिंग को, अक्सर आप लोग देखिएगा जब भी मैं क्लास कोचिंग की छुट्टी करके यहीं पर आता हूँ, और एक जगह मेरा बोरिंग है, अपना बगीचा खुद का है, ये हमारे गाँव के भैया का है, और बगल में मेरा खेत है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आना ज़्यादा लाजमी रहता है। तो आइए, पीछे के कैमरा से भी हम आपको दिखाते हैं क्या क्या हमारे गांव में अभी रेडी हो चुकी है, क्या क्या फसल तैयार हो चुका है और क्या क्या होने वाली है। तो आइए, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर आज आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। गाइज, ये देख सकते हैं, ये धान की खेती की गई है, जो काफ़ी शानदार हरा भरा एकदम हो गया है, ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये तो आप जान ही रहे हैं कि ये मेरा स्थान है, शांति का स्थान, जहाँ माचा है, देख सकते हैं मैं यहाँ बैठता हूँ। यहाँ मेरा बिहार किसान गमछिया है, जो आप देख सकते हैं, और ये सागवान अमरूद का पेड़ है, और काफ़ी खूबसूरत वहाँ देख सकते हैं। एक उधर मकई लगा हुआ है, देखिए वो मकई या ईख है, उसके बाद पपीता है, उसके बाद कंधा है, और कटहल है, नेनुआ, झींगी, तमाम बहुत सारे वो चीज़ आप लोग को प्रोडक्ट वो मिल जाते हैं, देख सकते हैं। धान उधर में मकई लगा हुआ है, उधर में बहुत बड़ा गार्डन है, तो और उधर में बांस देख सकते हैं, तो तमाम उधर देख सकते हैं। यही जो रास्ता है, देख सकते हैं कि घर दिख रहा है, यही जो रास्ता है सीधा जो दिख रहा है वो घर, बड़ा वाला मेरा ही घर है। अभी आप लोग देखें कि कितना खूबसूरत बरसात के मौसम में जो फर्स्ट ब्लॉग मैं बना रहा हूं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत गाँव का नज़ारा है ये। और चलिए, अब चलते हैं घर की ओर, चूँकि टाइम हो चुका है कोचिंग जाने का। तो अभी देख सकते हैं खाली पैर चलना काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है मॉर्निंग के समय में, तो इसलिए मैं यहाँ पर देख सकते हैं चप्पल को पहन लिया, और उसके बाद यहाँ से मैं निकल रहा हूँ शुद्ध वायु बह रही है। देख रहे हैं पपीता फरा हुआ, देखिए यहाँ पर पपीता, बड़े बड़े पपीता फरे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो हर वो चीज़ें आप लोग को गांव में मिल जाती है। अब मैं घर के लिए चल रहा हूँ, और आप लोग ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो यही रास्ता जो आप देख सकते हैं कि गाँव की ओर जा रहा है, और पीछे से भी थोड़ा दिखा देते हैं कि देख सकते हैं गांव मेरा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। देखिए काफ़ी ज़्यादा चारों तरफ हरियाली आप लोग को दिखेगा, देखिए
चारों तरफ एकदम हरियाली ही हरियाली दिखेगा, ऊपर में आसमान जो है छाया हुआ है बादल। और चलिए तो गाइज मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।